देख रहे हैं लाइव टुडे, तेज नजर सही खबर। इस दौरान हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त जी। सर, ऋषि से कृषि तक की बात चल रही है, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इसको और क्या क्या टारगेट? किसान मोर्चा ने ये फैसला किया है कि पूरे देश में ऋषि कृषि परंपरा सम्मेलन होंगे, शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश में पहला ऋषि कृषि परंपरा सम्मेलन लखनऊ में होगा। भारत सरकार के प्रधानमंत्री को गन्ना किसानों ने उनके आवास पर जाकर स्वागत किया, भोजन किया, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने किसानों के उत्पादन की लागत के 1.5 गुना कीमत देने का फैसला किया है। गन्ना के किसानों की समृद्धि के लिए योजना लागू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 67,000 करोड़ रुपया कृषि और किसान विकास के लिए दिया है और 37,000 करोड़ रुपये का कर्जा किसानों का माफ़ किया है, सरकार की फिजूल खर्ची रोक। इसलिए किसान ऋषि कृषि परंपरा सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, धन्यवाद देंगे और प्रदेश के 6 जगह कृषि ऋषि परंपरा सम्मेलन होंगे, वहाँ भी उनको धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करेंगे। पर सर, अभी आपने बोला कि गन्ना किसानों के भुगतान की बात कही, एक बड़ा अमाउंट दिया गया है, किसान के लिए भी दिया गया, कर्जे के लिए भी दिया गया, लेकिन कर्ज के अंदर 7.5 लाख ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक कर्जे माफ़ी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, या ग्राउंड लेवल तक आप लोग बात नहीं पहुंचा पा रहे, या फिर बीच में कोई गलतियां हैं कि उसको खामी नहीं। देखिए, हुआ क्या है कि जिन लोगों ने कर्जा लिया है और कर्जा चुकता कर दिया, तो जिनके उनके बाकी कर्जे हैं उसको माफ़ हुए हैं, जिसमें कम, अगर मान लीजिए कम बाकी रह गए तो कम माफ़ी। तो उस योजना पर भी विचार चल रहे हैं कि जो लोग कर्जा लेकर चुकता कर दिए हैं उस पर क्या करना चाहिए, लेकिन जो कर्जा लेकर चुकता नहीं किए हैं उनका माफ़ हो गया। उन्हीं में से 7.5 लाख लगभग ऐसे ही रिपोर्ट आई थी कि उसके अंदर नहीं, उस पर विचार चल रहे हैं कि उनके लिए क्या करना चाहिए, वो होगा। अंतिम सवाल है, कृषि मंत्री जाते हैं वो कहते हैं जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो ग्रह कलेश से कर रहे हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसानों का आत्महत्या करना बहुत दुखद है और एक ही दिन में स्थिति नहीं बिगड़ी, शासन के कारण से अगर स्थिति बिगड़ी है तो 50 साल 60 साल के शासन की पहली बार किसान के आत्महत्या करने का विषय 1991 में सुना गया था विदर्भ में। किसानों का आत्महत्या करना बड़ा दुखद है। हम उनके किसानों के आत्महत्या न करें इसके लिए, कर्जदार न बने इसके लिए योजना बना रहे हैं और इसी में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मंत्री ऐसा बोलते तब क्या कहेंगे? मंत्री ऐसे संवाद करते हैं कि आत्महत्या कर रहा है तो ग्रह कलेश से कर रहे हैं किसान? नहीं, कई कारण हैं, केवल आर्थिक कारण नहीं है, मैंने भी अन्वेषण किए, सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी। चारों समृद्धि जब तक नहीं होगी तब तक मुकम्मल समृद्धि नहीं। धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी, ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बड़े बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन कदमों को लेकर जो है नीचे स्तर तक के लोगों को जिस तरीके से बात की जाती है वो हो नहीं पा रही थी और अब किसानों का ध्यान जो है वो आप जरूर किसान में खेतिहर मजदूरी किए होंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के साथ किस तरीके से मिलकर काम कर रही है उसके लिए पूरी बैठक थी और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किसानों की हालत जल्द से जल्द सुधारी जा सके।